Hi guys, I'm Ashok here. Today I'm going to tell you a very interesting story of a donkey. तो बच्चों हुआ यूँ कि गांव में घोड़ों की रेस थी. गांव में जो ये जो गेम्स होते हैं ना, जो लोकल गेम्स, जो कुश्ती, पहलवानी, घोड़ों की रेस, तो वो काफ़ी चर्चित होते हैं और चलते भी हैं. तो इसी और इसमें जीतना हारना बहुत इज्जत की बात भी होती है. तो हुआ यूँ कि गांव में घोड़ों की रेस थी, तो हर पंचायत से घोड़े बुलाए गए. अब एक पंचायत में घोड़ा था ही नहीं, तो सरपंच ने कहा ये तो बहुत अपनारे गांव की इज्जत की बात है, रेस में तो भाग लेना ज़रूरी है, भाग नहीं लेंगे तो अपनी इज्जत खराब हो जाएगी. तो उन्होंने कहा कि ऐसे करते हैं, किसी ऐसे हष्ट पुष्ट जो अच्छी तरह से बिल्टअप हो गधा, उसको तैयार करते हैं, उसको घोड़ों के बीच में दौड़ाते हैं, ताकि अपनी इज्जत तो क्या होगी, बनी रहेगी. बाकी ने कहा हाँ ये अच्छा आइडिया है. अब ये सुन के गधों में हड़कंप मच गया कि अरे यार ये क्या करेंगे, हमको मारेंगे, गधों को किस में दौड़ाएंगे, घोड़ों के बीच में कैसे संभव है. लेकिन खोजते खोजते उन्होंने अच्छा सा जो बलिश था पुश था गधा खोजा और उसको पंप किया. पहले तो तैयार नहीं हुआ, लेकिन खूब पंप किया कि अपने गांव की इज्जत का सवाल है, पंचायत की इज्जत का सवाल है, सब तरफ सारे तू कर सकता है, तू मजबूत है, तू घोड़े से भी ज़्यादा मजबूत है. तो पंप हो गया, पंप हो गया तो उसने बोला हाँ मैं जाएगा गांव की इज्जत के लिए, मैं लड़ेगा, मैं खड़ा होएगा. और वो रेस का चालू की तैयारी हो गई. रेस वाले दिन पूरे गाँव के लोग, पंचायत के लोग, सरपंच सब तैयार. अब जो ही रेस चालू होने वाला था, सबको लाइन से खड़ा कर दिया. और जो गधा था, जब उसने देखा, दाएं देखा तो सब हश पुश घोड़े, बाएं देखा तो उधर भी घोड़े. अब ये देख के एकदम से इसको घबराहट हो, जिससे अपन कभी कभी देखा होगा आप लोगों ने कि कभी अपन बोलने जाते हैं स्टेज पे तो हाथ पांव कांपने लग जाते हैं. तो बेचारा वो तो गधा था और किन के बीच में था, घोड़ों के बीच में, तो उसको एकदम घबराहट हो गई और उसके पूरे पाँव बुरी तरह से कांपने लगे. और हुआ यूँ कि जो सरपंच था उसको समझ में आ गया, तो उसने क्या किया, विसिल बजने के 5 सेकंड पहले गधे की पूंछ उठाई और आधा किलो मिर्ची डाल दिया. और अब ये मत पूछो क्या हुआ रेस का, कि जो गधा था वो सबसे टॉप आया और लाइन क्रॉस करने के बाद भी वो भागता रहा, रुका ही नहीं. तो बच्चों इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि यदि हम में बर्निंग डिजायर हो, बर्निंग डिजायर में और फायर इन द बेली इसको कहते हैं, हम में किसी चीज़ को पाने की तड़प हो, तो प्रकृति के नियम भी फेल हो जाते हैं. कोई नियम नहीं होते जीवन में. आपको जब सक्सेस होना है तो आपका उसके प्रति पैशन होना चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि पैशन और स्ट्रेस में ही फ़र्क है. जो चीज़ अपने को उतना पसंद नहीं हो और अपन करते हैं तो अपने को स्ट्रेस आता है, और जो काम अपने को पसंद हो प्यार से करते हैं उसको बोलते हैं पैशन. तो जो पैशन होगा तो कोई भी चीज़ दुनिया में असंभव नहीं होगी. तो मुझे आई एम श्योर यू मस्ट लाइक माई स्टोरी, इंटरेस्टिंग स्टोरी. इफ लाइक माई स्टोरी प्लीज़ डू